toppling. Next topic is toppling. देखो toppling से पहले तुम्हें बिल्कुल बेसिक वाली चीज बतानी चाहिए. क्या बेसिक वाली चीज बताई थी मैंने? मैंने कहा था अगर ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम और रोटेशनल इक्विलिब्रियम दोनों साथ में होते हैं तो हम कहते हैं एफ नेट इज जीरो एंड टॉर्क अबाउट एनी पॉइंट इज जीरो. मतलब बॉडी नहीं चल रही है और ना ही वो घूम रही है तो एक तो एफ नेट जीरो बोल दोगे, एक टॉर्क किसके अबाउट जीरो करोगे, एनी पॉइंट जीरो कर सकते हो, सीएम के अबाउट भी जीरो कर सकते हो. इट इंक्लूड्स सेंटर ऑफ मास. दूसरी सिचुएशन मैंने सिखाई थी कि अगर ट्रांसलेशनल मोशन है तो इसकी इक्वेशन हो जाती है एफ एक्सटर्नल इज एमएसीएम. यही होगी, सेंटर ऑफ मास तो एक्सेलरेट कर गया, एफ नेट इज एमए बन गया, एफ नेट इज एमए. ए कौन सा? सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन. और इसमें रोटेशनल इक्विलिब्रियम है कि बॉडी चल रही है, एक्सेलरेट कर रही है परंतु घूम नहीं रही है तो टॉर्क किसके अबाउट जीरो करोगे? टॉर्क अबाउट सेंटर ऑफ मास ही जीरो करेंगे और किसी पॉइंट के अबाउट जीरो नहीं करेंगे. तो या तो रूल बना लो कि मैंने हमेशा सीएम के अबाउट जीरो करनी है, और अगर सीएम के अबाउट टॉर्क जीरो नहीं करनी है, किसी और पॉइंट के अबाउट करनी है, तो तुम्हें पता होना चाहिए कि अगर दोनों इक्विलिब्रियम होंगे तो किसी भी पॉइंट के अबाउट जीरो कर देंगे, और अगर हमारा ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम नहीं है तो सिर्फ और सिर्फ सेंटर ऑफ मास के अबाउट ही टॉर्क जीरो करोगे. जैसे मैंने इसके ऊपर एग्जाम्पल दिया था, क्या एग्जाम्पल दिया था? छत से रॉड टांगी थी, छत से रॉड टांगी थी मैंने. मैंने ये कहा था ये रॉड है और यहां से रस्सी से टांग लो, ये सेंटर ऑफ मास है, ये डिस्टेंस हो गया L by 2, ये डिस्टेंस हो गया L by 4. हम कहेंगे नीचे लगेगा mg, ऊपर लगेगा t1, ऊपर लगेगा t2. तो हम कहेंगे t1 plus t2 is mg. टॉर्क अबाउट cm0 बोलूंगा तो कितना आ जाएगा? t1 into L by 2 ऐसे is t2 into L by 4 ऐसे, और इससे इक्वेशन इससे आ जाएगा T2 should be 2 times T1. इससे आ गया T1 is mg by 3 और T2 आ जाएगा 2mg by 3. लेकिन मैंने ये भी कहा था कि इस वाले केस में A के अबाउट भी टॉर्क जीरो कर सकते हैं क्योंकि दोनों इक्विलिब्रियम साथ में है. तो टॉर्क अबाउट A कितना हो जाएगा? mg L by 2 should be T2 into 3L by 4. टॉर्क अबाउट A जीरो किया, सीधा आ गया T2 should be 2mg by 3. और चाहे तो टॉर्क अबाउट B पॉइंट भी जीरो कर सकते हैं. टॉर्क अबाउट B जीरो करेंगे तो कितना आ जाएगा? mg L by 4. किस डायरेक्शन में? एंटी क्लॉकवाइज. शुड बी T1 into 3L by 4 क्लॉकवाइज. सो सीधा आ जाएगा T1 is mg by 3. लेकिन इस क्वेश्चन का मॉडिफाइड क्वेश्चन क्या होगा कि हमने इसी रॉड को लिया एलिवेटर में, इसी रॉड को लिया एलिवेटर में और ये कह दिया एलिवेटर एक्सेलरेट कर रहा है, एलिवेटर एक्सेलरेट कर रहा है, सपोजिटली डाउनवर्ड एक्सेलरेट कर रहा है ए से. तो हमने कह दिया ऊपर लगेगा T1, इधर लगेगा T2, नीचे लगेगा mg, डिस्टेंसेस यही दिए हैं, ये दिया है L by 4. तो इस केस में इक्वेशन बन जाएगी mg minus T1 minus T2 is ma. तो T1 plus T2 आ जाएगा एम जी माइनस ए. अब ये रॉड नीचे तो आएगी लेकिन घूमेगी नहीं. हाँ, नीचे आती जाएगी एक्सेलरेट होते हुए लेकिन ये घूमेगी नहीं. तो रोटेशनल इक्विलिब्रियम इस केस में है लेकिन इसमें टॉर्क किसके अबाउट जीरो करनी है? ये वाला केस है, सिर्फ सीएम के अबाउट जीरो करोगे. इसमें टॉर्क अबाउट ए जीरो नहीं करनी, इसमें टॉर्क अबाउट बी जीरो नहीं करनी, टॉर्क अबाउट सीएम ही जीरो करनी है. तो हम कहेंगे T1 into L by 2 should be T2 into L by 4. ये हो गई ऐसे और ये हो गई ऐसे अबाउट सेंटर ऑफ मास. हाँ, है ना? तो T2 आ गया 2T1 और फिर हम कह देंगे T1 आ जाएगा M G minus A by 3 और T2 आ जाएगा 2M G minus A by 3.
ये जस्ट रीकैप कराया है मैंने कि कब हमारा टॉर्क अबाउट सीएम जीरो करना है, कब हमारा टॉर्क अबाउट एनी पॉइंट जीरो करना है। भाई टॉपिक ये था टॉपलिंग, टॉपलिंग में क्या कर रहे थे, ये ग्राउंड है, ये ग्राउंड है, ये ग्राउंड पे डब्बा रख दिया, ये ग्राउंड पे डब्बा रख दिया, नीचे लगेगा एम जी और ऊपर लगेगा नॉर्मल। अब पहले तो ये बताओ जो ये नॉर्मल है, जो नॉर्मल लगेगा नीचे वाले फेस पे, वो सेंट्रल फोर्स है या डिस्ट्रीब्यूटेड फोर्स है? वो किसी पॉइंट पे लगती है, हर पॉइंट पे लगती है, हर पॉइंट पे लगती है, एक पॉइंट पे थोड़ी लग रही है। दैट नॉर्मल फोर्स इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द होल फेस, दैट नॉर्मल फोर्स इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द होल फेस। सो हम ये कह सकते हैं कि अगर अगर वो नॉर्मल, जैसे नीचे लग रहा है mg, अगर वो नॉर्मल यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, अगर वो नॉर्मल यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो हम ये मान सकते हैं कि कहां पर वो नॉर्मल का इफेक्टिव पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन है। कैन आई से दैट विल बी सेंटर ऑफ फेस? इफ नॉर्मल इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, इफ नॉर्मल इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, देन इफेक्टिव पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ नॉर्मल इज सेंटर ऑफ फेस। Does that make some sense? मान सकते हैं कि सेंटर ऑफ फेस, नीचे वाले फेस के सेंटर पे लग रही है नॉर्मल। अब मैं सोच रहा हूं कि ये जमीन है, ये जमीन है, और यहां पर F लगा दिया गया, और मान लो ये रफ ग्राउंड भी था, मान लो ये रफ ग्राउंड भी था, तो हम ये कह सकते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन भी लगेगा नीचे वाले फेस पे, हाँ या ना? गाइस इधर देखो बोर्ड की तरफ, ऐसे लगेगा ना, स्टैटिक फ्रिक्शन भी लगेगा, mg भी लगेगा। अब जरा सोचो, सेंटर ऑफ मास के अबाउट टॉर्क लग रही है, लग रही है, f इंटू दिस डिस्टेंस क्लॉकवाइज, fs इंटू दिस डिस्टेंस क्लॉकवाइज, तो इसका मतलब तो ये घूम जाना चाहिए। मैंने कहा घूमेगा नहीं, तुम्हें फील आ रही है कि ऐसे एफ लगाऊंगा, फ्रिक्शन है, ये ऐसे ऐसे उठने की कोशिश करेगा, और ऐसे उठने की कोशिश करेगा तो यहां पर नॉर्मल कम हो जाएगी और यहां पर नॉर्मल बढ़ती जाएगी, और ऐसे नॉर्मल अगर बढ़ती जाएगी तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि इफेक्टिव पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ नॉर्मल शिफ्ट हो जाएगा? क्या मैं ये कह सकता हूं नॉर्मल का इफेक्टिव पॉइंट यहां पर कहीं आ जाएगा जहां पर मान लो कि नॉर्मल एक्ट कर रहा है? और जितना ज्यादा एफ लगाऊंगा उतना वो इफेक्टिव पॉइंट और शिफ्ट हो जाएगा। ये भी दिमाग में आ रहा होगा कि मैं ज्यादा एफ लगा दूंगा ना तो इफेक्टिव पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ नॉर्मल कहां आ जाएगा? कॉर्नर पे आ जाएगा। अब कॉर्नर से ज्यादा बाहर नहीं जा सकता, वो कॉर्नर से ज्यादा बाहर नहीं जा सकता क्योंकि वो बॉडी के बाहर थोड़ी लगेगा, नॉर्मल नॉर्मल लगेगा तो बॉडी के नीचे वाले फेस पे ही लगेगा। ज्यादा से ज्यादा ये हो सकता है कि वो कोने पे आ जाए, कोने से बाहर वो जाएगा नहीं, उसके बाद क्या होगा, बॉडी घूमने चालू कर देगी उस कॉर्नर के अबाउट, उस कॉर्नर के अबाउट वो घूमना चालू कर देगी। यहां तक की फील आ रही है? तो हम ये कह रहे हैं कि जैसे तुम ऐसे एफ लगा रहे हो तो नॉर्मल का इफेक्टिव पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन क्या हो जाता है, इफेक्टिव पॉइंट शिफ्ट हो जाता है, इफेक्टिव पॉइंट शिफ्ट हो जाता है, और कहां तक शिफ्ट हो सकता है, टू कॉर्नर,
कहां पे शिफ्ट हो सकता है? टू कॉर्नर. उसके बाद वो शिफ्ट नहीं हो सकता. अब मैं क्वेश्चन बना रहा हूं, क्वेश्चन के अंदर देखना दो डिफरेंट केसेस आएंगे. एक केस तो ये आया, ये बॉडी है, इसका हाइट h है, इसकी चौड़ाई a है, और इसके हाईएस्ट पॉइंट पे f लगाया, इसके हाईएस्ट पॉइंट पे f लगाया, और गिवन है, अज्यूम, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, अज्यूम सफिशिएंट फ्रिक्शन इज प्रेजेंट टू प्रिवेंट स्लिपिंग. क्वेश्चन है फाइंड मिनिमम फोर्स रिक्वायर्ड टू टॉपल. इसको ऐसे भी पूछ सकते हैं, फाइंड मैक्सिमम फोर्स सो दैट इट डज नॉट टॉपल. इज इट वन एंड द सेम थिंग? इज दिस वन एंड द सेम थिंग? मिनिमम फोर्स रिक्वायर्ड टू टॉपल और मैक्सिमम फोर्स सच दैट इट डज नॉट टॉपल, कि कम से कम कितनी फोर्स लगाऊं कि ये टॉपल कर जाए, या ज्यादा से ज्यादा कितनी लगाऊं कि ये टॉपल ना करे, मतलब टॉपल करने वाला है, मतलब टॉपल करने वाला है. तो हम ये कहेंगे कि जैसे ही ये क्वेश्चन आया, एफबीडी बनाना चालू किया हमने, ऐसे एफ लगा, ऐसे एफ लगा, नीचे एमजी लगा, नीचे एमजी लगा. ये जो पहली लाइन थी, इससे मुझे समझ में आया कि सफिशिएंट फ्रिक्शन इज प्रेजेंट टू प्रिवेंट स्लिपिंग. इसका मतलब स्टैटिक फ्रिक्शन लग रहा है, ये बॉडी चल नहीं रही है. इसका मतलब दिस इज अ क्वेश्चन ऑफ ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम एज वेल एज रोटेशनल इक्विलिब्रियम. दिस इज अ क्वेश्चन ऑफ ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम एज वेल एज रोटेशनल इक्विलिब्रियम. दोनों इक्विलिब्रियम एक साथ हैं. इसका मतलब मैं चाहूं तो टॉर्क अबाउट एनी पॉइंट जीरो कर सकता हूं. अब मैं कहूंगा कि नॉर्मल शिफ्ट होते होते कहां चला गया? कोने पे. क्योंकि और ज्यादा तो वो शिफ्ट हो ही नहीं सकता. बेसिकली ये बॉडी ऐसे करके उठने वाली है, ऐसे, सही कह रहा हूं? हाँ, ऐसे करके उठने वाली है. गॉट इट? अब इसमें इक्वेशंस क्या बनेंगी? इसमें एक इक्वेशन तो बनेगी f इज इक्वल टू एफ एस, एक बनेगा नॉर्मल इक्वल टू mg, नॉर्मल इक्वल टू mg. टॉर्क में चाहूं तो cm के अबाउट भी जीरो बोल सकता हूं. cm के अबाउट टॉर्क कितना होगा? सेंटर ऑफ मास के अबाउट. ये हाइट दिया था h, ये डिस्टेंस दिया था a, तो cm के अबाउट f इंटू एच बाई टू, एफ एस इंटू एच बाई टू, नॉर्मल इंटू ए बाई टू. तो हम कहेंगे f इंटू एच बाई टू ऐसे, प्लस स्टैटिक इंटू एच बाई टू वो भी ऐसे, शुड बी नॉर्मल इंटू ए बाई टू ऐसे. मोर ओवर रुक जाओ, नॉर्मल की वैल्यू कितनी आ रही है? mg, तो ये आ गया एम जी ए. और बाय द वे एफ और एफ एस बराबर थे, तो ये बन जाएगा 2f h. तो फोर्स की वैल्यू कितनी रिक्वायर्ड है? एम जी ए बाय 2h, एम जी ए बाय 2h. दिस इज द फोर्स रिक्वायर्ड टू टॉपल इट इन द केस वेयर द फ्रिक्शन इज सफिशिएंट टू प्रिवेंट स्लिपिंग. अब मैंने इस चीज के पावर को यूज नहीं किया. क्या क्या चीज पावर यूज नहीं करी? कि यार इसमें तो हम टॉर्क किसी भी पॉइंट के अबाउट जीरो कर सकते थे. हम चाहते तो पॉइंट ए, पॉइंट पी के अबाउट भी जीरो कर सकते थे. कभी चल तो रहा ही नहीं वो, दोनों इक्विलिब्रियम साथ में है. पी के अबाउट जीरो करोगे तो क्या हो जाएगा? एम जी इंटू
ए बाई टू ऐसे, हाँ एम जी का टॉर्क लगेगा, एफ एस का टॉर्क नहीं लगेगा, नॉर्मल का टॉर्क नहीं लगेगा, और एफ का टॉर्क लगेगा, एफ इंटू एच, तो एम जी ए बाई टू शुड बी इक्वल टू एफ एच. एक लाइन में भी कह सकते थे एफ इज एम जी ए बाई टू एच. गॉट इट? पक्का? अब इस क्वेश्चन को मैंने मॉडिफाई किया, मैंने कहा दोबारा यही क्वेश्चन है. ये ए है और ये ग्राउंड कह दिया कैसा है, स्मूथ ग्राउंड है. ये कैसा ग्राउंड है? स्मूथ ग्राउंड है. और क्वेश्चन है फाइंड मिनिमम एफ रिक्वायर्ड टू टॉपल, फाइंड मैक्सिमम फोर्स सच दैट इट डज नॉट टॉपल. जैसे ही ये क्वेश्चन आया और ग्राउंड स्मूथ देखा तो मेरे दिमाग में ये आ गया कि भाई ये तो चलेगा डेफिनेटली, चलते चलते भी टॉपल कर सकता है. नहीं कर सकता, तुमने फोर्स लगाई ये चलना चालू हो गया. अब तुमने ज्यादा फोर्स लगाई तो तेज चलेगा, लेकिन ज्यादा फोर्स लगाई होगी तो सेंटर ऑफ मास के अबाउट उसकी टॉर्क बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी? उस फोर्स की टॉर्क सीएम के अबाउट बढ़ेगी ना, क्लॉकवाइज में बढ़ेगी. इसका मतलब एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क भी बढ़नी चाहिए, तो नॉर्मल हमारा अभी भी शिफ्ट होता जाएगा. तो चलते चलते भी नॉर्मल हमारा कहां पे पहुंच सकता है? कॉर्नर पे. लेकिन इस केस में दिस इज अ केस ऑफ ट्रांसलेशनल मोशन एंड रोटेशनल इक्विलिब्रियम. इसमें टॉर्क सिर्फ सेंटर ऑफ मास के अबाउट जीरो करोगे. अब ऐसे कर दिया तो गलत हो जाएगा. मैं ये कह रहा हूं तो ये चाहते तो हम बिल्कुल चैप्टर के स्टार्टिंग में भी कर सकते थे, क्योंकि कंसेप्ट हम टेक्निकली कर चुके थे. कंसेप्ट तो हम कर ही चुके थे टॉपलिंग का. टॉपलिंग में हम ये क्या कह रहे हैं, हमें सबसे पहले रिकॉग्नाइज ये करना है कि वो चलते हुए टॉपल करने की बात कर रहा है या ठहरे हुए में टॉपल करने की बात कर रहा है. क्योंकि अगर वो ठहरे हुए में कर रहा है तो टॉर्क अबाउट एनी पॉइंट जीरो कर दोगे, और चलते हुए में करने की बात कर रहा है तो टॉर्क अबाउट सीएम जीरो करोगे. और दूसरी चीज की नॉर्मल कहां शिफ्ट हो जाना चाहिए, टॉपल होने वाला है तो कोने पे चला जाना चाहिए. तो हमने ये कहा कि सपोज ऐसे एफ लगाया, नीचे एम जी लग रहा है और ये एक्सेलरेट भी कर रहा है. सेंटर ऑफ मास की एक्सेलरेशन एसीएम हो गई, सेंटर ऑफ मास की एक्सेलरेशन एसीएम हो गई. और अब देखो सेंटर के अबाउट टॉर्क आ रही है, फ्रिक्शन तो है ही नहीं, फ्रिक्शन तो है ही नहीं, स्मूथ है ना. तो बस एफ लग रहा है, एमजी लग रहा है, नॉर्मल लगना चाहिए. नॉर्मल किधर जाएगा ये सोच रहे हैं. मैंने कहा सेंटर ऑफ मास के अबाउट ऐसे टॉर्क है तो नॉर्मल की टॉर्क उल्टा आनी चाहिए, तो वो शिफ्ट होता जाएगा. और वो शिफ्ट होते होते कहां चला जाएगा, कोने पे चला जाएगा. कहां चला जाएगा? कोने पे. अब इस केस में प्लीज इस केस में टॉर्क अबाउट पी जीरो मत कर देना, नहीं तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा. क्योंकि दिस इज अ केस ऑफ ट्रांसलेशनल मोशन एंड रोटेशनल इक्विलिब्रियम. ट्रांसलेशनल मोशन है और रोटेशनल इक्विलिब्रियम है, तब टॉर्क किसके अबाउट जीरो करते हो? सिर्फ सेंटर ऑफ मास के अबाउट जीरो करते हो. सेंटर ऑफ मास एक्सेलरेट कर रहा होता है तो सीएम के अबाउट जीरो टॉर्क करेंगे, हाँ या ना? क्या इक्वेशन बनेगी? नॉर्मल इक्वल टू एम जी, नॉर्मल इक्वल टू एम जी, एफ इज इक्वल टू एम ए सी एम, एफ इक्वल्स टू एम ए सी एम, और टॉर्क अबाउट सी एम कितना होगा? एफ इंटू एच बाई टू, ऐसे शुड बी नॉर्मल इक्वल टू ए बाई टू, ऐसे नॉर्मल की वैल्यू कितनी आ रही है? mg. तो ये आ जाएगा mg a by 2, 2 से 2 कट जाएगा, तो f की वैल्यू कितनी आ रही है? mg a by h. I think this is double of the force required to topple when there was friction. जब फ्रिक्शन था तो तब कम फोर्स पे टॉपल कर रहा था वो, और जब ये चल रहा है तो ज्यादा फोर्स पे टॉपल कर रहा है ये. ठीक है, वो तो मैथमेटिकली दिख रहा है, वो तो मैथमेटिकली दिख रहा है. उसको मैं नहीं चाहता कि तुम कोई फील भी लेने की कोशिश करो, उसकी फील लेने की जरूरत नहीं है. लेकिन तुम्हें सिचुएशन समझना बहुत जरूरी है. बेटा समझ में आ गया?
तो दिस इज द फोर्स रिक्वायर्ड टू टॉपल या दिस इज द मैक्सिमम फोर्स एट विच इट विल नॉट टॉपल या मिनिमम फोर्स रिक्वायर्ड टू टॉपल इन विच केस व्हेन द ग्राउंड इज स्मूथ व्हेन द ग्राउंड इज स्मूथ सपोज करो क्वेश्चन है जैसे मैंने अभी क्वेश्चन किया था उसी क्वेश्चन को दोबारा देख रहा हूं अज्यूम नो स्लिपिंग तो एफ कितना लगेगा टॉपल करने के लिए तो मैंने कहा एफ लगा रहे थे इधर लगेगा स्टैटिक नीचे लगेगा एमजी और नॉर्मल शिफ्ट हो के कहां चला जाएगा कॉर्नर पे ये हाइट एच था ये ए था और टॉर्क किसके अबाउट जीरो कर सकता हूं मैं इस केस में पी के अबाउट जीरो कर सकता हूं क्योंकि इसके अंदर स्लिपिंग तो हो ही नहीं रहा तो एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास तो जीरो है तो मैंने कहा एफ एच इज एम जी ए बाई टू टॉर्क अबाउट पी जीरो किया एफ की वैल्यू आ गई एम जी ए बाई टू एच एम जी ए बाई टू एच अब इसी सिचुएशन को मैंने दोबारा सोचा कि भाई ये डब्बा यहां रखा हुआ है इस बार इस डब्बे को कंसिडर करो लाइक अ नॉट लाइक अ बॉडी लाइक अ पॉइंट मास और कहो कि भाई कितनी फोर्स लगेगी इसे चलाने के लिए मैंने कहा नीचे लगेगा mg ऊपर लगेगा नॉर्मल तुमको नॉर्मल शिफ्ट मैंने कहा पॉइंट मास में थोड़ी नॉर्मल शिफ्ट होएगा जैसे अब तक करते आए थे न्यूटन लॉज में और मैंने कहा कि चलाने के लिए फोर्स कितनी लगेगी म्यू एस एन हो जाएगा इधर तो हम कहेंगे नॉर्मल इज एम जी एंड एफ इज म्यू एस एन दैट इज म्यू एस एम जी क्या मैं ये कह सकता हूं दिस इज एफ वन एंड दिस इज एफ टू इज म्यू एस एम जी दिस इज द मिनिमम फोर्स रिक्वायर्ड टू टॉपल And this is the minimum force required to slide. ये कह रहा है कि अज्यूम कर रहा कि भाई फ्रिक्शन हमारा इनफ था कि स्लिप ना मारे तो हमने कहा कि कम से कम फोर्स कितनी चाहिए टॉपल करने के लिए उस केस में ये वाली फोर्स चाहिए और स्लाइड करने के लिए कितनी फोर्स चाहिए ये वाली फोर्स चाहिए क्योंकि इस केस में फोर्स बढ़ाता जाऊंगा तो फ्रिक्शन स्टैटिक की जगह लिमिटिंग चला गया तो म्यू एस एन कर दिया फिर हमने निकाल दिया एन इज एम जी एफ मिनिमम इज म्यू एस एम जी अब मैंने सोचा अगर हमारा एफ वन लेस देन एफ टू है तब क्या होगा एफ वन लेस देन एफ टू है इसका मतलब ये वाली वैल्यू तो हो गई 8 न्यूटन और ये वैल्यू हो गई 10 न्यूटन इसका मतलब फोर्स बढ़ाता जाऊंगा तो ये वैल्यू पहले आ जाएगी और वो रीच नहीं हुई होगी लिमिटिंग वैल्यू इसका मतलब इट विल टॉपल बिफोर स्लिपिंग दैट मींस ए बाय टू एच इज लेस देन कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इट विल टॉपल बिफोर स्लिपिंग और अगर ए बाय टू एच greater than coefficient of friction है it will slip before toppling और अगर a by 2h equal to coefficient of friction है तो both would happen at same instant got it अच्छा एक बार ये भी अगर कई बार बच्चों ये समझ में आ गया ना ऐसे कंडीशन आ सकती है क्वेश्चन में कि व्हाट इज द कंडीशन दैट इट विल टॉपल बिफोर स्लिपिंग या व्हाट इज द कंडीशन दैट इट विल स्लिप बिफोर टॉपलिंग या व्हाट इज द कंडीशन दैट बोथ वुड हैपन एट सेम इंस्टेंट एंड इट इज डेफिनेटली फॉर ओनली दिस क्वेश्चन व्हाटएवर इज द क्वेश्चन फोर्स इज अप्लाइड टू द टॉपमोस्ट पॉइंट अच्छा क्वेश्चन में कुछ भी पूछ सकते हैं क्वेश्चन में ये भी पूछ सकते हैं सपोज Assuming assuming
sufficient friction assuming sufficient friction maan lo to prevent slipping obviously to prevent slipping और क्वेश्चन है कि जो ऊपर फोर्स लगाया था ना उसकी वैल्यू दे दी कुछ इस एफ की वैल्यू दे दी एम जी ए बाई सिक्स एच ये हाइट एच है ये ए है अब क्या पूछेगा फाइंड इफेक्टिव पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ नॉर्मल फाइंड इफेक्टिव पॉइंट of application of normal देखो थोड़ा सा सोचेंगे याद करें अभी अभी हमने क्वेश्चन किया था कि assuming sufficient friction to prevent slipping what was the force required to topple mga by 2h mga by 2h उससे कम दे दिया यार कम दे दिया इसका मतलब क्या हुआ होगा चल तो रहा ही नहीं है और नॉर्मल भी कोने तक नहीं पहुंचा नॉर्मल कोने से पहले रह गया तो वो ये पूछ रहा है कि नॉर्मल कितना शिफ्ट हुआ यही तो पूछ रहा है कि नॉर्मल कितना शिफ्ट हुआ मतलब इस केस में क्या करेंगे देखो एवरीथिंग स्टार्ट्स विद एफबीडी नीचे लगेगा एमजी नीचे लगेगा mg इधर लगेगा स्टैटिक फ्रिक्शन हाँ स्टैटिक ही लगेगा क्योंकि ये कह रहा है कि सफिशिएंट फ्रिक्शन टू प्रिवेंट स्लिपिंग गॉट इट फिर हमने कहा इधर से f लगा दिया f की वैल्यू दी हुई है mg a by 6h अब नॉर्मल किधर मानोगे कोने पे कोने तक दैट वाज द होल पॉइंट कि कोने तक नहीं पहुंचा वो कहीं एक्स तक पहुंचा है यही तो हुआ ये हाइट हो गया एच ये विड्थ हो गया ए नॉर्मल हमारा कोने तक नहीं पहुंचा शिफ्ट होके यहां पे पहुंच गया वो नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है वो यहां पे कम है यहां पे बढ़ता जा रहा है यहां पे बढ़ता जा रहा है यहां पे और बढ़ता जा रहा है कोने पे तो तब होता है जब यहां पर है ही नहीं पूरा कोने पे चला गया वो तो कब हो रहा था इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में एमजीए बाई 2h पे हो रहा था अब क्या करें क्योंकि ये ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल दोनों इक्विलिब्रियम है क्या मैं टॉर्क अबाउट दिस पॉइंट जीरो कर सकता हूं पी सीधा कह सकता हूं एम जी एक्स एक तो एम जी की टॉर्क हो गई शुड बी एफ इंटू एच ए बाय सिक्स एच इंटू एच एम जी कट गया एच बी कट गया शिफ्ट कितना हुआ है ए बाय सिक्स कितना शिफ्ट हुआ है ए बाय सिक्स ए बाय टू शिफ्ट होता तो टॉपल करने वाला था इस केस में कितना शिफ्ट हुआ ए बाय सिक्स शिफ्ट हुआ है अब इसी क्वेश्चन के अंदर मजे लिए उन्होंने कहा नहीं अज्यूमिंग स्मूथ ग्राउंड अब बताओ कितना शिफ्ट हुआ नॉर्मल मैंने कहा अभी भी टॉपल नहीं करेगा क्यों क्योंकि स्मूथ पे टॉपल करने के लिए फोर्स कितना चाहिए था mg a by h चाहिए था उससे भी कम ही है तो फिर मैं कहूंगा नीचे लग रहा है mg नॉर्मल फिर से शिफ्ट हो गया कितना शिफ्ट हो गया x लेकिन इस केस में सेंटर ऑफ मास की भी एक्सेलरेशन है तो इस केस में टॉर्क किसके अबाउट जीरो करोगे सेंटर ऑफ मास के अबाउट करोगे तो ये हो जाएगा f f इंटू एच बाई टू शुड बी नॉर्मल इंटू एक्स नॉर्मल शुड बी mg एंड f शुड बी macm f की वैल्यू डाल दो mg a बाई सिक्स एच दैट इज mg a बाई सिक्स एच इंटू एच बाई टू शुड बी n वॉज mg mg x x कितना आ गया a बाई ट्वेल्व a बाई 12
Got it or not? अलग shift हुआ है. देखो मैं तो ये कह रहा हूं जब भी कोई क्वेश्चन आएगा इसका मतलब टॉपलिंग का सबसे पहली चीज क्या चेक करते हैं, क्या चीज सबसे पहले चेक करी जाएगी, मैं बताता हूं क्या चेक करना है. ये हाइट एच है, ये ए है, और इन्होंने कहा एफ को लगाया नीचे से 2h/3 पे ऑन स्मूथ ग्राउंड. Find F required to topple. Find F required to topple. क्या समझ में आया? सबसे पहली चीज ये चेक करी जाएगी कि भाई दोनों इक्विलिब्रियम साथ में है या एक इक्विलिब्रियम है. इसमें किसके अबाउट टॉर्क जीरो करूंगा? सेंटर ऑफ मास के अबाउट करूंगा, क्योंकि सेंटर ऑफ मास तो एक्सेलरेट करेगा. उसके बाद हम कहेंगे नीचे लग रहा है mg, नॉर्मल शिफ्ट होके आ गया कोने में, और सेंटर ऑफ मास की एक्सेलरेशन हो गई acm. फिर हम कहेंगे f इज इक्वल टू macm, नॉर्मल शुड बी इक्वल टू mg, टॉर्क किसके अबाउट लेंगे? सेंटर ऑफ मास के अबाउट. तो ये हो गया दिस इंटू दिस, दिस डिस्टेंस इज 2h/3 माइनस h/2, दैट्स h/6. हाँ तो फोर्स का टॉर्क कितना होगा cm के अबाउट? f इंटू दिस परपेंडिकुलर डिस्टेंस ना, सो वो कितना हो जाएगा f इंटू 2h/3 माइनस h/2 शुड बी इक्वल टू नॉर्मल इंटू a/2. नॉर्मल कितना हो गया mg, mg a/2 शुड बी f h/6. तो f की वैल्यू कितनी आ रही है? mg 3mga by h, 3mga by h. सॉरी हाँ 3mga by h, सही तो निकाला है. Got it? और इसी क्वेश्चन में वो कहता नहीं, ऑन स्मूथ ग्राउंड नहीं है, ऑन सफिशिएंट फ्रिक्शन टू प्रिवेंट स्लिपिंग. तो उस केस में क्या होगा? सफिशिएंट फ्रिक्शन टू प्रिवेंट स्लिपिंग, इसका मतलब यहां लगेगा स्टैटिक, यहां पर लग रहा है एफ, ऐसे लग रहा है एमजी, नॉर्मल चला गया कोने पे. अब चाहे तो टॉर्क हम सीएम के अबाउट भी जीरो कर सकते हैं, चाहे तो हम पी पॉइंट के अबाउट भी जीरो कर सकते हैं, दोनों से आंसर सेम आएगा. पी के अबाउट जीरो करेंगे तो क्या आएगा? एमजी ए बाई टू ऐसे शुड बी एफ इंटू 2h/3 ऐसे. तो एफ की वैल्यू सीधा आ गई 3mga by 4h. हाँ cm के अबाउट जीरो करोगे तो f, एक इक्वेशन तो आएगी f इज इक्वल टू एफ एस, नॉर्मल इक्वल टू mg. ये तो ट्रांसलेशन से आ गई, ये तो ट्रांसलेशन से आ गई. और टॉर्क अबाउट cm करेंगे तो f इंटू एच बाय 6 प्लस एफ एस इंटू एच बाय 2 शुड बी नॉर्मल इंटू ए बाय 2. हाँ यही तो आएगा. एफ एस को किस क्या लिख दोगे? f, तो दैट इज f एच, एलसीएम 6 ले लो, ये आ गया 1 3, नॉर्मल को लिख दो mg a बाय 2, कितना आ रहा है? ये 4 आ गया, ये 2 आ गया, ये 3 आ गया. f की वैल्यू कितनी आ रही है? 3mga by 4h. किसी ने पूछा नहीं, मैं इतनी देर से पढ़ा रहा हूं, आई एम लिटरली वेटिंग कि somebody asked कि अगर फ्रिक्शन होता लेकिन इनसफिशिएंट होता फिर क्या करते. मैं तो हमेशा दो केस ले रहा हूं, या तो फ्रिक्शन इज सफिशिएंट टू प्रिवेंट स्लिपिंग कि चल नहीं रहा तो टॉर्क अबाउट पी जीरो कर दो, और फिर अगर दूसरा है कि फ्रिक्शन है ही नहीं, स्मूथ है तो वो चलेगा तो नॉर्मल को शिफ्ट करके कोने पे ले जाओ, टॉर्क सीएम के अबाउट जीरो कर दो. गॉट इट? जब टॉपल होने वाला है. अब क्वेश्चन ये बन सकता है कि फ्रिक्शन है
लेकिन इतना नहीं है कि रोक पाए, तो फ्रिक्शन के साथ वो चल भी सकता है और चलते चलते टॉपल हो जाए, उस केस में क्या करोगे? उसमें भी सीएम के अबाउट ही टॉर्क जीरो करोगे, उसमें भी सीएम के अबाउट ही टॉर्क जीरो करोगे। जैसे मान लो इसी क्वेश्चन में कर देते हैं, कहां पे फोर्स लगाया इसने? नीचे से 2h/3 पे, यहां पे लगाया ना एफ, नीचे से 2h/3 पे लगाया ना, नीचे लग रहा है mg, नॉर्मल चला गया यहां पे, इधर कौन सा फ्रिक्शन लग रहा है? काइनेटिक नॉर्मल, एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास हो गया a, acm। इक्वेशन क्या हो जाएगा? f माइनस म्यू के n इज macm, नॉर्मल इज mg, टॉर्क किसके अबाउट जीरो करूंगा? सेंटर ऑफ मास पे जीरो करूंगा। सेंटर ऑफ मास पे टॉर्क कितना हो जाएगा? f इंटू h बाय 6, f इंटू h बाय 6 प्लस म्यू के नॉर्मल इंटू h बाय 2, दोनों ऐड हो जाएंगी, शुड बी नॉर्मल इंटू a बाय 2। बेटा समझ में आया है? तो दैट विल बी f h बाय 6 प्लस म्यू के नॉर्मल कितना था? mg, तो म्यू के mg h बाय 2 इज mg a by 2, तो f कितना आ गया? mg a by 2 minus mu k mg h by 2 divided by h by 6। Done। कहीं ऐसा तो नहीं सिर्फ मुझे ही समझ में आया है? दीवार की तरफ देखो, सॉरी बोर्ड की तरफ देखो, दीवार तो मैं बना रहा हूं बोर्ड पे, ऐसे है। ये मान लो ए है, ये मान लो ए है, इसके सेंटर पे एफ लगाया, एफ लगाया, नीचे लगेगा mg, mg लग गया, अज्यूम किया नो स्लिप, इसका मतलब स्लिप नहीं हो रहा, तो कौन सा फ्रिक्शन लग रहा है? स्टैटिक, स्टैटिक लगेगा ऐसे, इस फेस पे लगेगा, कहां पे लगेगा भगवान जाने, मतलब ऐसे लग जाएगा स्टैटिक, ठीक है कि नहीं है? क्योंकि नीचे गिरने वाला होगा, स्टैटिक ऊपर की तरफ लग जाएगा, यहां तक की बात तो समझ में आ जाएगी। अब जरा सेंटर ऑफ मास के अबाउट देखो, सेंटर ऑफ मास के अबाउट देखो, स्टैटिक एफ की टॉर्क है? नहीं है। एमजी की टॉर्क है? नहीं है। स्टैटिक की टॉर्क है? हां है। कैसे है? ऐसे है। तो क्या सेंटर ऑफ मास के अबाउट ऐसे घूम जाएगा? नहीं, यहां पर नॉर्मल नीचे शिफ्ट हो जाएगा। कितने से शिफ्ट हो जाएगा? x से। बस हो गया क्वेश्चन। उसके बाद हम ये कह सकते हैं f शुड बी नॉर्मल, एफ एस शुड बी इक्वल टू mg। ये तो हो गया ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम से, और रोटेशनल इक्विलिब्रियम कहेगा टॉर्क अबाउट एनी पॉइंट शुड बी जीरो, टॉर्क अबाउट एनी पॉइंट शुड बी जीरो, कह सकते हैं ना, सेंटर ऑफ मास भी इंक्लूडेड, और क्योंकि दोनों इक्विलिब्रियम साथ में थे तो टॉर्क एनी पॉइंट जीरो कर सकते हैं, चाहे तो इस वाले पॉइंट पे कह दो। कितना हो जाएगा? mg a by 2 ऐसे शुड बी fx ऐसे, गॉट इट? mg इसके अबाउट टॉर्क स्टैटिक की नहीं होगी, नॉर्मल की नहीं होगी, mg की हो जाएगी mg a by 2, और f की हो जाएगी fx ऐसे। ये सेंटर ऑफ मास पे करना है तो वो हो जाएगा fs इंटू a by 2 ऐसे should be nx ऐसे, बात वही आएगी, क्योंकि fs को क्या लिख दोगे? mg, तो ये आ जाएगा mg a by 2, और n is f, तो that is fx, तो x की वैल्यू आ जाएगी mg a by 2f,
mga by 2f. मैं बात समझ में आई है? इसमें भी क्या हो गया, नॉर्मल का शिफ्टिंग हो गया,